किन्नौर जिला में आज 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपियो से उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने किया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपियो, जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपियो व एसटी स्कूल रिकांगपियो के पात्र बच्चों का टीकाकरण किया गया। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिले के सभी ऐसे बच्चे जिनकी आयु 15 से 18 वर्ष के बीच की है, पहचान स्कूल प्रबंधन, ग्राम पंचायत व श्रम विभाग के माध्यम से करवाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनम नेगी ने बताया कि विभाग द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के कोविड टीकाकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपियो, जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपियो, एसडी स्कूल रिकांगपियो के पात्र बच्चों का कोविड टीकाकरण किया गया। कोविड टीकाकरण को लेकर स्कूल वार व अस्पताल वार टीकाकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस अवसर पर उपनिदेशक उच्च शिक्षा बसंत मुथ्यान, डॉक्टर कविराज, टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अन्वेषा, स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य जिला लाल व अन्य अध्यापक उपस्थित थे। ये आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ये आज रिकांगपियो स्कूल और कोठी स्कूल में लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। तो इसमें कोवैक्सीन लग रहा है, इसमें सिर्फ कोवैक्सीन ही दिया जाएगा। तो ये लगभग 8 से 10 तारीख के बीच जो टारगेट है वो पूरा होने की संभावना है। और लगभग 2500 बच्चों को इनरोल हुआ है, 2500 बच्चों को लगता है। ठीक है सर।